सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिएटिंग जार्विस इन 365 डेज चैलेंज। सो इन दिस वीडियो हम बनाएंगे टेक्स्ट टू स्पीच का एक बेहतरीन सा सिस्टम। बट उससे पहले मैंने कोड में और आपके फोल्डर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, तो वो चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ट्राई किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ट्राई किया था विस्पर, बट क्योंकि ये थोड़ा सा डिले हो जाता है, साथ ही विस्पर की एक्यूरेसी नहीं है अच्छी, तो इसके पहले जो हमने मॉड्यूल बनाया था उसी को मैं रखना चाहूँगा और विस्पर को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा। और क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं करने वाले, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा इसे बता के। और मैंने एक फोल्डर लिया है, उस फोल्डर के अंदर मैंने main.py जो लिख था उसे मैंने nethightech.stt नाम से नाम दे दिया। अगर आप इसे नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है, मैंने बस फॉर्मेट के लिए लिख दिया। और ये है हमारा पाइथन वाला स्पीच टू टेक्स्ट। अभी स्पीच टू टेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये आइकन अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं एक्सटेंशन में क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा आइकन पैक और एंटर कर दूँगा। यहाँ पे मुझे बहुत सारे आइकन पैक देखने के लिए मिलेंगे। अभी मैं करंट में ये चीज़ हो दिख रही है, मैं इसे इंस्टॉल करूँगा बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग गुड। ईजी आइकन थीम, ओके, ये भी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। लेट्स सी अनदर वन, डार्क थीम एक्सटेंशन, व्हाट इज दैट। यहाँ पे देखो मिस्टर आइकन थीम दिख रहा है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ से, ठीक है। मटेरियल आइकन थीम, सॉरी, तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे देखो ये फोल्डर आ गया, ठीक है, और ये यहाँ पे पाइथन के लोग उतार हैं ऑलराइट, तो अभी अच्छे से चल रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊँगा, न्यू फोल्डर राइट क्लिक करके, जिसमें मैं लिखूँगा टेक्स्ट और विदाउट स्पेस दिए हुए टू स्पीच और एंटर कर दूँगा। अभी हमने स्पीच टू टेक्स्ट बनाया था, जिसमें हमने मॉड्यूल बनाया है एक और एक पाइथन का है, तो इस मॉड्यूल वाले को मैं डिलीट कर दूंगा बिकॉज आपको भी ये पता है और मुझे भी पता है कि जब भी मुझे उसका यूज़ करना होगा मैं उसी फाइल के अंदर इंटीग्रेट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं एक सिंगल क्यू बना रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि जब मैं इसका सिंगल यूज़ करूँगा, सिंगल टाइम यूज़ करूँगा, तब मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे टेक्स्ट टू स्पीच पहला अपना, वो भी पाइथन की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं TTS या फिर आप कंप्लीट लिख सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच अंडरस्कोर पाइथन .py। हम पाइथन के अंदर एक टेक्स्ट टू स्पीच लिखेंगे और कोड को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अभी तक pip install करके PyTTSX3 का यूज़ आपने नहीं किया है, तो एक बार एंटर करना और ये आपका मॉड्यूल इंस्टॉल होने लगेगा कुछ इस तरीके से, और इसे इंस्टॉल कर लेना। अब ये PyTTSX3 क्या है इसको जानने के लिए आप PyTTSX3 पे जा सकते हो, इसकी वेबसाइट पे नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कमांड हमने अभी जस्ट रन किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसकी वर्जनिंग देखने के लिए मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पैकेज बिल्ड करते समय। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो पे जाके देख सकते हो, उसमें हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि इसने एक सैंपल कोड दिया है जो कि बहुत ही बेसिक सा है। मैं इस सैंपल कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने जो मॉड्यूल को इंस्टॉल किया उसे हमने इंपोर्ट कर लिया। अब उस मॉड्यूल के अंदर हमें कॉन्फ़िग करना होगा सबसे पहले इनिट फंक्शन, तो हमने इनिट फंक्शन कॉल कर लिया और उसे एक इंजन के नाम वेरिएबल पे स्टोर करा लिया। अब इंजन के अंदर जो एक मेथड है वो है से का, से यानी कि बोलना, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना। बहुत ही इजी है, इसका सिंटैक्स देख सकते हो, आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट, और यहाँ पे उसे रन करना होगा आपको एक बार, एंड दैट इज़ ऑल। चार लाइन का कोड है, इसे मैं अगर यहाँ से रन करता हूँ तो आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट, तो यहाँ पे मुझे एक स्पीच में वॉइस मिलती है जो कि डिफ़ॉल्ट हमने जो भी रखी होगी, आपको हो सकता है फीमेल की मिले या फिर कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू।
थोड़ा सा यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन में वापस से चलूँगा और आपको चीज़ें और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। आप वॉइसेस की रेट लिमिट सेट कर सकते हो, आप वॉइसेस का पिच सेलेक्ट कर सकते हो, वॉइसेस की वॉल्यूम सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप वॉइस चेंज कर सकते हो यूजिंग दिस कमांड। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वही कमांड कॉपी करूँगा और उसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कैसे आप डिफरेंट वॉइसेस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो वॉइसेस पे एक एरर आ रहा है बिकॉज हमने वॉइसेस नाम का कोई वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं करके रखा है। तो यहाँ पे देखोगे कि जब हमने यहाँ पे वॉइसेस का यूज़ किया उसके पहले यहाँ पे हमने वॉइसेस का एक वेरिएबल सेट किया था और यहाँ से वो एरर जा चुका है। ओके सो अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो क्या सेम वॉइस आएगी? नहीं, इस बार सेम वॉइस नहीं आएगी क्योंकि वो डिफॉल्टली जीरो की वॉइस ले रहा था। आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट, यहाँ पे हमें दूसरी वॉइस देखने के लिए मिल गई। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ और इसे रन कर दूँ तो यहाँ पे एरर आ गया। रीज़न बिकॉज मेरे जो सिस्टम में है वो सिर्फ दो ही वॉइसेस हैं अभी तक। अब अगर आप इन वॉइसेस में जार्विस बनाना चाहते हो तो फास्ट तो बनेगा और अच्छा भी रहेगा, बट ये दोनों आवाज जो वॉइसेस हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब रोबोटिक लगती हैं और थोड़ा सा अजीब लगती हैं टेक्स्ट बोलते समय। तो अगर आप कुछ न्यू वॉइसेस ऐड करना चाहो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने रजिस्ट्री एडिटर के अंदर आ जाना है। सबसे पहले यूज़र की परमिशन दे देनी है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप में सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा होगा हे की लोकल मशीन, इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आके सॉफ्टवेयर में क्लिक करना है, इसके बाद नीचे आके आपको माइक्रोसॉफ्ट में क्लिक करना है और इसमें आप माइक्रोसॉफ्ट में क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। इसमें आपको एस लेटर से स्टार्ट होने वाले फोल्डर्स पे जाना है और वहाँ पे चेक करना है कि स्पीच और स्पीच वन कोर दोनों ही आपको ऊपर नीचे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्पीच वन कोर में आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको वॉइसेस देन टोकन्स, और टोकन्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो वॉइसेस मिल जाएंगी जो इसके अंदर और एडिशनली है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 5 वॉइसेस हैं जो मेरे पास अवेलेबल है। अभी मैं इनको ट्रायल करके कैसे देखूंगा, तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में क्लिक करके कुछ इस तरीके से इस सेटिंग्स पे आ सकते हो। यहाँ पे टाइप करो वॉइस एक्सेस, नॉट वॉइस एक्सेस एक्चुअली वॉइसेस, और एंटर कर दो। यहाँ पे ऐड स्पीच वॉइसेस का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आप सिंबल में क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे जितने भी वॉइसेस हैं हम इनमें से, जैसे कि मुझे मार्क की पसंद है तो मैं इसमें अगर प्रीव्यू करूँ, यू हैव सिलेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट मार्क एज द डिफॉल्ट वॉइस, और यहाँ पे आप रवि की भी सिलेक्ट कर सकते हो, यू हैव सिलेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट रवि एज द डिफॉल्ट वॉइस। मतलब रवि की इतनी ज्यादा बेकार है ना बकवास वॉइस है कि मतलब ये तो फर्स्ट वाले से भी बेकार है, तो मैं मार्क की ही बोलूंगा कि आप मार्क ही ले सकते हो। You have selected Microsoft Mark as the default voice. तो अभी ये वॉइस तो आपकी यहाँ पे है, बट आप इसे ऐड कैसे करोगे? तो यहाँ पे आप देखोगे जब मैं इसमें फोल्डर पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है कि मार्क। अभी यहाँ पे करना क्या है आपको, इस फोल्डर में ऊपर वाले फोल्डर में क्लिक करना, नीचे वाले में नहीं, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, नीचे वाले में नहीं, सिर्फ फोल्डर में ऊपर वाले में एट्रीब्यूट में नहीं क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है इसे, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं MK लिख के इसे एक्सपोर्ट करके सेव कर लूँगा, ठीक है, और इसे मिनिमाइज़ कर दूँगा। अभी आपको क्लोज नहीं करना है, अभी मैं इसे एडिट इन नोट पैड करूँगा और कंट्रोल H करूँगा, H से मेरा रिप्लेस सेक्शन आ जाएगा। मुझे रिप्लेस क्या करना है कि जहाँ पे भी स्पीच वन कोर लिखा हुआ है वहाँ पे मुझे स्पीच करना है, जहाँ पे भी स्पीच वन कोर लिखा है वहाँ पे स्पीच करना है। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल में क्लिक करूँगा और जहाँ जहाँ पे भी स्पीच वन कोर था वहाँ पे आप स्पीच लिख चुका है, इसे मैं सेव करूँगा कंट्रोल एस से। अब इसे मैं ऑन कर दूँगा डायरेक्टली तो ये मुझसे यूज़र परमिशन लेगा, फिर मेरे सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, देन अगेन नोटिफिकेशन, मैं ओके में क्लिक कर दूँगा एंड मेरा काम हो चुका है। अभी मैं इस फाइल को डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से,
आप चेक कैसे करोगे कि आपकी जो वॉइस है वो ऐड हुई है या नहीं हुई है? तो उसके लिए आपको अपना स्पीच वन कोर का फोल्डर बंद करना है, उसके ठीक ऊपर आपको स्पीच का मिलेगा, वॉइसेस पे जाना है, टोकन्स पे जाना है, यहाँ पे देखो तीसरी वॉइस ऐड हो चुकी है एंड दैट इज़ ऑल। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आ जाना है और इस पे अब अपनी आईडी चेक करनी है। तो यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा, लेट सी, आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो ये एक टेक्स्ट पहला वॉइस था, आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे मार्क की वॉइस आ चुकी है। अभी अगर आप यहाँ पे कुछ लिखोगे जैसे कि हेलो सर आई एम जार्विस, तो क्या ये स्पीच करेगा? देखते हैं। हेलो सर आई एम जार्विस, ठीक है, तो ये फास्ट है, बस आप रन में क्लिक करोगे फास्ट बन जाएगा। बट यार ये तो एक उसके फॉर्म पे है ना, मतलब टेक्स्ट बहुत ही बेसिक फॉर्म पे है, तो इसको आप क्या करो यहाँ से कट कर दो और इसे एक फंक्शन के फॉर्म में डालो, डेफ स्पीक, और स्पीक के अंदर आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना है टेक्स्ट। आर्ग्यूमेंट होता क्या है, बेसिकली हम जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं कहीं भी, तो उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लेंगे ना वो उसके थ्रू पास हो जाएगा, मतलब इसके अंदर चला जाएगा। एक और तरीका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि जब भी आप कोड ऐसे लिखे हुए हो, ठीक है, तो आप इसे यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो जहाँ तक आप कोड लिखना है, और कंट्रोल प्लस फुल स्टॉप का आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर देखो एक्सट्रैक्ट मैथड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना, मैथड का नाम आपको लिखना है स्पीक और एंटर कर देना। यहाँ पे देखो पूरा मेथड जो है उसके अंदर चला गया, इसके अंदर आप टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो और से के अंदर आपको टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करना है कुछ इस तरीके से। अभी इसके अंदर आप टेक्स्ट डाल दो जैसे कि हेलो सर और इसे रन करो। हेलो सर, देखो रन हो गया। क्या हम इसे मल्टीपल टाइम्स कॉल करेंगे तो ये फास्ट होगा या नहीं देखते हैं। इस मैंने तीन बार हेलो सर दिखा, पहले वाले से दूसरे वाले पे डिले देखो आप। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, मतलब सही है, कोई ज़्यादा डिले देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये मार्क की वॉइस थी। तो क्या हम इस वॉइस पे जार्विस बनाने वाले हैं? विल सी, क्या पता आपको इससे भी बेटर टेक्स्ट टू स्पीच कुछ दिनों के अंदर मिल जाए, और क्या पता आप इसी का यूज़ करके बेहतरीन बना लो। इट डिपेंड्स ऑन यू। क्या आप इस पे और भी ज़्यादा अपनी कस्टम वॉइसेस ऐड कर सकते हो? तो नहीं, आप कस्टम वॉइसेस तो नहीं ऐड कर सकते, बट यहाँ पे आप ऐड वॉइसेस का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपको इस सेटिंग्स पे, जिसमें आप डिफरेंट लैंग्वेज का यहाँ पे देख सकते हो पूरा लिस्ट है, इनमें आप सब में टिक करके ऐड करके और उन सारी वॉइसेस को आप उसके अंदर सेम प्रोसीजर के थ्रू ऐड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी वॉइसेस सही लग रही है। तो ये था टेक्स्ट टू स्पीच यूज इन पाइथन। कल के वीडियो में हम एक और स्टेप लेंगे जहाँ पे हम अपने जार्विस को और भी ज़्यादा यूनिक और एडवांस बना रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टुडेज वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी तक आपको सारी चीज़ें मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिन लोगों को आता है वो भी इस कोड का मीनिंग समझो, बिकॉज अगर आप कोड का मीनिंग ही नहीं समझोगे तो आपको कॉपी पेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो कमेंट में जाकर लिख दो I got this point, and फिर इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे। Thanks for watching this video.